हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो केपीआईटी टेक। अभी केपीआईटी टेक का शेयर में 200 के नीचे से रेकमेंड करते आ रहा हूँ। 200 के नीचे था तब हमने वीडियो बनाया था, पुराना वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि इसे खरीद लो। अब इसमें एक रनअप आने के बाद एक शार्प करेक्शन आया है और उसके बाद अभी ये जो पैटर्न बनते जा रहा है, इसके बाद ब्रेकआउट की तैयारी मुझे दिख रही है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका रेट है 332 और ये जो डारवास बॉक्स बनते जा रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट होते ही शेयर में गजब की तेजी ऊपर की तरफ आपको देखने मिलेगी। अभी ये 332 पे है और जो फुटसी रीबैलेंसिंग होने वाली है, फुटसी रीबैलेंसिंग का मतलब कुछ शेयर्स का वेटेज बढ़ता है, कुछ का कम होता है। तो बढ़ने वालों में केपीआईटी टेक है, तो यहाँ से इसमें एंट्री बिल्कुल लेनी चाहिए। केपीआईटी टेक में अभी एंट्री लेने का सबसे बढ़िया मैं फायदा बताता हूँ, आपका स्टॉप लॉस। ये इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, इसलिए 300 के स्टॉप लॉस से आप इसमें एंट्री बिल्कुल ले सकते हो। 300 के स्टॉप लॉस से केपीआईटी टेक में फ्रेश एंट्री बिल्कुल ली जा सकती है। ये लेवल पे परफेक्ट कैंडिडेट है, यहाँ से भी ये शेयर डबल होने का पोटेंशियल रखता है। और जैसे फुटसी रिबैलेंसिंग होगा, इसमें इनफ्लोज बढ़ेंगे, इनफ्लोज बढ़ेंगे मतलब इसमें ज़्यादा फंड्स आएगा, इसीलिए केपीआईटी टेक को होल्ड करके चलो। ये बहुत बढ़िया काउंटर है। और आज अगर अगर बात देखी जाए तो अभी इसने जस्ट ब्रेकआउट दिया 300 से, 333 हो गया, पर ये और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो केपीआईटी टेक में बिल्कुल होल्ड बने रहिए। जिन्होंने लेके रखा है, पहले से लेके रखा है, उन्होंने 300 के स्टॉप लॉस से ही इसे होल्ड करना है। 300 के नीचे अगर ये जाता है तो थोड़ी रिस्क बढ़ेगी, तब हम एक बार इसे रिव्यू करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे केपीआईटी टेक में करना क्या है। पर फिलहाल ये लेवल पे ये बिल्कुल अट्रैक्टिव लेवल है इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए।